जमीन तो बेहद हसीन है, बेइंतहा खूबसूरत है, तुम झूठ बोल रही हो। हाँ, बेहद हसीन और जमीन मेरा हुस्न काबिले दीन है। अल्लाह ने मुझे तुम इंसानों के लिए हर चीज रास्ता किया, तुम इंसानों के लिए हर नियामत से नवाजा। माहौल के ताजुम को बरकरार रखने के लिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को मुजयन किया, हसीन वादिया, बहते हुए झरने, दिलकश फूल, खूबसूरत परिंदे। अल्लाह ने मुझे हर चीज से नवाजा, देखो तुमने मेरा क्या हाल कर दिया। हाँ, तुम इंसानों ने जरा बताओगे हमने तुम्हें कैसे बर्बाद कर दिया। ए देखो, ये जो तुम कचरे का ढेर लगाते हो, तुमने कभी सोचा है मुझे कितनी तकलीफ होती है? ये प्लास्टिक, ये पॉलीथीन, ये थर्माकोल, जानते हो ये सब करोड़ों साल मेरे अंदर दफन रहता है, इनकी वजह से मेरा हुस्न बर्बाद हो जाता है। ए भाई जरा सुनो तो। कहो क्या बात है, और हाँ जल्दी बोलो, अपने पास टाइम नहीं है, बोतलों से कतला उठाना है। और आप जो यहाँ वहाँ कचरा फेंक रहे हो, इससे बदबू फैलते हैं और माहौल खराब होता है। तू सही बोलती है, मैं क्या करूँ, मेरा काम सिर्फ बोतलों से कतला उठाना। आप बोलेंगे तो मैं आपको कतला समझ के उठा के बाहर फेंक दूँ। सही कहते हो तुम, हमारा क्या जाता है। अब तो रोजाना कचरे की गाड़ी आती है, जब तुम्हारी गाड़ी कचरे की गाड़ी सामने आएगी तब तुम उसी में फेंक देना। डिड यू अंडरस्टैंड? तुमने मुझे डिड यू अंडरस्टैंड बोल के गाली दी, मैं और कतला फेंकूंगी। अरे अनपढ़ कचरे के डब्बे, तुमको गाली नहीं दिया बल्कि समझाया। ओ अच्छा अच्छा, मैं कितना गलत था। अच्छा ठीक है, अब मैं यह सारा कतला उठा लेता हूँ। चलो हम सब मिलकर उठाते हैं। और सुनो, जमीन की कदर करो भाई, यार ताला की नियामत है। हदीस में के अत्तहुरु सतरु ईमान, पाक सफाई आधा ईमान। हम जानते हैं कि तुम एक सर्वेंट हो, तुम इतना तो कर सकते हैं ना कि लोगों का प्लेट का खाना इकट्ठा करके किसी गरीबी को खिला सकते हो। फेंकने से तो अच्छा ही है कि लेकिन तुम भी कमाओ और डॉन स्पीड गार्बेज हियर एंड देयर। हाँ बहन, तुम सब कहती हो, अब मैं ऐसा ही करूंगा। तुक लिया मजदूर है, लकड़ी या काट कर हमारे लिए फर्नीचर बनाएगा। हमको शादी में अलग अलग डिमांड का प्लान ना चाहिए। हाँ बहन, जब हम लोग शादी करते हैं तो हमें अन्ना, कुर्सी, टेबल, अलमीरा, वक्त पालन चाहिए। यह सब कहाँ से आएगा बहन? पेड़ कटने से आएगा। किस कदर मतलब प्रास इंसान हो तुम लोग। इस रोए जमीन के हर चीज को परवरदिगार ने तुम्हारे लिए बनाए हैं, लेकिन हर चीज के यूज करने का तरीका होता है। हाँ फ्रेंड्स, ये जमीन बिल्कुल सही कह रही है, अल्लाह ताला ने कायनात को हमारे लिए ही बनाए हैं, लेकिन हम लोगों को इन सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक कहती हो तुम, ऐसा ही लोगों के साथ जमीन की बेहद करना चाहिए। बेशक तुम दरख्तों से लकड़ियां हासिल करते रहो, मगर तुम दरख्त काटकर सब सुकून छीन लेते हो। दरख्त तुम्हें साफ हवा देता है, फूल देता है, साया देता है, और तुम थोड़ी सी आराम के लिए दूसरों के साथ खिलवाड़ करने से बेहतर है कि एक पेड़ काटने के बजाय दो पेड़ लगाओ, ताकि माहौल के ताजुम बरकरार रहे। ऑल राइट, यू आर करेक्ट। ए भाई जरा सुनो तो। हाँ बहन बोलिए। आप ये पेड़ क्यों काट रहे हैं? मैं ये दरख्त नहीं काटूंगा तो बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? आप एकदम परफेक्ट है अपनी जा में, लेकिन क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है? मैं तो लकड़हारा हूँ, सिर्फ लकड़ियाँ काटता हूँ और बेचता हूँ, यही मेरा पेशा है। आपकी बात तो सही है, लेकिन क्या ही अच्छा है आप इसे हरे बड़े पेड़ के बजाय सूखे पेड़ को काटे जिसकी जिंदगी खत्म हो गई हो, और दो नई पेड़ लगाए।
गुड आइडिया बहन जी, ताकि एनवायरमेंट का बैलेंस बरकरार रहे। बात तो तुम सही कह रही हो बहन, मेरी आंखों खुलने का थैंक्स। मैं आज चेहरे वाले दर्द को नहीं काटूंगा, सूखे दरख्त से लकड़ी हासिल करूंगा। हाँ यही ठीक है, शुक्रिया। उधर से हम सालों साल परेशान रहते हैं, तुम इंसान मुसलसल धुआं इस तरह फैलाते हो। जानते हो सिगरेट से निकलने वाला कार्बन का धुआं, गाड़ी से निकलने वाला रासायनिक धुआं, सिगरेट से निकलने वाला कार्बन का धुआं, मुझे कितनी तकलीफ होती है। इस बारे हमने कभी थिंकिंग किया ही नहीं। मेरा वजूद तुम्हारे लिए है, अगर इंसान मुझ पर सेफ नहीं तो मेरा होने या ना होने से क्या फायदा। अल्लाह की बनाई हुई मखलूक अगर अपने वजूद को खुद ही खतरे में डालता है तो कोई क्या करे। हरगिज नहीं, हम इन सब चीजों को रोकेंगे। सुनिए भाई मेरे, तुम स्मोकिंग क्यों कर रहे हो? क्या है, क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है? हमसे तुम लोग क्या परेशानी है? हेलो, हम स्मोकिंग कर रहे हैं तो अपने बाप के पैसे से कर रहे हैं, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? भी यानी प्रॉब्लम, तुम हम लोगों का जिम्मा लिया हो कि हम कुछ भी करें तुम हमें टोकने वाली कौन होती? हम तो बाहर भी स्मोकिंग करते हैं, कोई तो रास्ते के किनारे बाथरूम करके चला जाता है, उसे क्यों नहीं टोकते हो? तुम सही कह रहे हो, सही कहते हो तुम, हमारा क्या जाता है? बिल्कुल हमारा कुछ भी नहीं जाता। जा तो रहा है उस माँ का जिसने तुम्हें पैदा किया, दुनिया की तमाम तकलीफ सह कर पाल पोस कर बड़ा किया। वह तुम्हारे हंसी के साथ हंसती होती और खुशी के साथ ज्यादा खुशी मनाती है। जो तुम्हारी एक खुशी को पूरा करने के लिए वह सारी हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस कर देती है जो तुम्हारे लिए जीती होगी। तुम कहना क्या चाहती हो? इतनी लंबी चौड़ी भाषण क्यों दे रही हो? वह लगता है कि तुम आगे चलकर एक अच्छा से नेता बनोगे। बात तो बहुत आसान है भाई, तुम्हारे ख्यालों ज्यादा रख सकता है जिसने तुमको पैदा किया। स्मोकिंग करने से माहौल तो गंदा होता है, उसके साथ साथ तुम्हारे बॉडी का भी हरिकारक होता है। खुदा ना खास्ता अगर तुम किसी हादसे का शिकार हो जाओ, अगर तुम्हें कैंसर हो जाए तो इलाज करने के लिए इतने रुपए कहाँ से लाओगे? पैसे तो दूर की बात, अगर तुम्हारा जान चली जाए तो तुम जान कहाँ से लाओगे? सॉरी, फैशन में डूबकर कुछ ज्यादा ही स्मोकिंग कर लिए हैं। हम तो खतरा उठाते नहीं है, साथ साथ दूसरे को भी खतरे में डालते हैं। आई विल नेवर स्मोक सिगरेट। मैं भी वादा करता हूँ कि आज के बाद सिगरेट तो क्या सिगरेट पीने वालों के साथ नहीं बैठूंगा। मुझे अब जरा बेहतर महसूस हो रहा है, तुम लोगों ने मेरे बहुत हेल्प की है, थैंक अलॉट बच्चों। अल्लाह ताला ने जमीन को बहुत खूबसूरत बनाया है, हमें इसकी खूबसूरती को बनाए रखना है। टेक्नोलॉजी हमारे लिए है और हमेशा हम रोजाना म्यूजिक गाना सुनते हैं कि शायर और इस प्रकार लगता है कि हम बहरा हो जाएंगे। सबको जीना का हक है लेकिन साउंड की पोल्यूशन से दूसरों को परेशानी होती है, इसीलिए हम सबको हर चीज सोलो साउंड में सुनना चाहिए। हाँ सिस्टर, पानी को लोग सड़कों में ऐसे बहाता है लगता है कि पानी का कोई कीमत है ही नहीं। किसी को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है और यह पानी को वेस्ट कर रहा है। हम सबको चाहिए कि पानी को सेव करें, पानी कुदरत का अनमोल खजाना है। बिल्कुल सही साथियों, नौजवान साथी इस काम को बढ़कर अंजाम दे सकता है। हम सब मिलकर चाहे तो माहौल को गंदा होने से बचा सकते हैं और जितना मुमकिन हो हवा की आलूदगी, पानी की आलूदगी और जमीन की आलूदगी से बचने की कोशिश करें और कुदरत की चीजों का इस्तेमाल सही से करें। जी बिल्कुल, हम लोगों को किसी भी चीज का इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से करना चाहिए। जी हाँ, हम लोगों को जमीन को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए जमीन का ध्यान रखना चाहिए। रब से हयात, अपनी आलूदगी से नजात। हम कुदरती माहौल के अधीन है, इस अमानत का हिफाजत हमारा फर्ज है। पेड़ की कटाई, कार्बन डाई की बुराई, दरख्तों की कटाई, नस्लों की बर्बादी।
पानी है तो जिंदगानी है। कुदरती सामान का बेहतरीन इस्तेमाल, आने वाले नस्लों को इस्तकबाल। खुद को आलोदगी से बचाए, सिगरेट मौत है इसे होठों से ना लगाए। आपकी गाड़ी धुआं नहीं मौत गलती है। कुदरत का खिलाफ मत जाइए, माहौल का हिफाजत कीजिए। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, माहौल बरकरार रहे। कुदरत के साथ छेड़खानी, खुद को बर्बादी ज्यादा से ज्यादा। अस्सलामु अलैकुम। Thank you.